Hello friends, I welcome you to this session. In this session, we are going to discuss the general studies question paper of the combined defense services examination that took place on 8th of September 2019, and we are going to discuss the various aspects about this question paper, that how the questions were framed, what should be the bent of the mind while you are approaching the question, what should be the approach or the analysis or the analytical approach that you should apply to solve the questions, and sometimes when you are just having no idea about the question, then how you have to make an intellectual guess. So we are going to discuss about all these aspects of the question paper, and here we begin. So jo pehla question aaya tha, aur as a matter of fact main yahan par jis question paper ko discuss kar raha hu wo hamara set A hai, yani ki जो मैं क्वेश्चंस को सीक्वेंस में फॉलो करूंगा वो सेट ए के क्वेश्चंस हैं। तो अगर किसी और के पास कोई दूसरा सेट है तो क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो वेरी कर सकता है, बट क्वेश्चंस तो अपने सेम रहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें ये बोला गया है कि भाई जो टर्म होता है सॉइल इम्पॉवरिशमेंट, इसका मतलब क्या होता है, और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक टर्म है सॉइल इम्पॉवरिशमेंट एंड इसका मतलब क्या होता है, सॉइल इरोजन, सॉइल डिपोजिशन, तीसरा होता है सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और चौथा होता है सॉइल गेटिंग एनरिच्ड इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इन चार में से हमको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो करेक्ट ऑप्शन बताने के लिए पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सॉइल इम्पॉवरिशमेंट का मतलब होता क्या है। देखिए, सॉइल इम्पॉवरिशमेंट को हम लोग रिवर्स फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसको तब किया जाता है जब एक सर्टेन एरिया में एक सर्टेन तरीके की क्रॉप की वैरायटी को आपको प्रेफरेंस देना हो दूसरे तरीके की क्रॉप की वैरायटीज के ऊपर। एक सर्टेन एरिया में अगर कुछ खास तरीके के आप क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं तो उन सारे क्रॉप्स वगैरह में से आप चाहते हैं कि एक सर्टेन तरीके के क्रॉप्स को प्रेफरेंस दी जाए, मतलब आपका जो सॉइल है उसको ज्यादा फेवर करे कंपेयर टू दूसरे आपके क्रॉप्स वगैरह, तो उसके लिए सॉइल इम्पॉवरिशमेंट करवाया जाता है जिसको रिवर्स फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि हम सॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर वगैरह डालते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर डालने का जो कंपोजिशन होता है उसे इस तरीके से रखा जाता है कि जब बैक्टीरियाज उसमें प्रेजेंट है, जब वो अपने केमिकल रिएक्शंस वगैरह करेंगे तो उन उस ऑर्गेनिक मटेरियल के बैक्टीरियाज के कारण जमीन में जो आपकी जमीन है, जो सॉइल है, उसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है तो उसके कारण आपकी जो सॉइल है वो नाइट्रोजन से डेफिशिएंट हो जाती है, और नाइट्रोजन डेफिशिएंट होने के बाद फिर जो खास तरीके की आप क्रॉप्स वगैरह उगाना चाहते हैं जिनको नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है उनको वहां पर लगाया जा सकता है, और जो दूसरे तरीके के क्रॉप्स हैं जिनको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी वो वहां पर फिर नेचुरली सी बात है ग्रो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जो सॉइल है उसमें से आपने हाइड्रोजन को काफी ज्यादा मात्रा में या नाइट्रोजन को काफी ज्यादा मात्रा में आपने इवॉल्व करवा दिया है। तो अब अगर हम डेफिनेशन पढ़ने के बाद कि सॉइल इम्पॉवरिशमेंट होता है क्या, वो देखने के बाद अगर हम लोग इन ऑप्शंस पर जाएं तो सॉइल इरोजन अपने आप गलत हो जाता है, सॉइल डिपोल्यूशन अपने आप गलत हो जाता है, दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल गेटिंग वेरी रिच और एनरिच्ड इन द प्लांट न्यूट्रिएंट। तो अभी हमने देखा कि जब सॉइल इम्पॉवरिशमेंट किया जाता है तो उसके बाद में आपके कुछ खास तरीके के जो मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम पड़ जाते हैं सॉइल में, तो अपना जो ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि भाई सॉइल इम्पॉवरिशमेंट का मतलब होता है सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एंड इस तरीके से अपना जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट ब्लैक सी फ्रॉम कैस्पियन सी। दो सीज के बारे में बात की गई और आपसे पूछा गया है इन दोनों सीज को कौन सा माउंटेन जो है वो आपस में सेपरेट करता है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी को कौन से माउंटेन सेपरेट करते हैं। पहला ऑप्शन है ओरल्स, दूसरा है क्योकासस, तीसरा है कैल्पेथियंस, और चौथा है बाल्कन माउंटेन्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भाई दो नदियां हैं ब्लैक सी और कैस्पियन सी, इनके बीच में कौन सा माउंटेन है जो इनको सेपरेट करता है। फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है, तो इसका जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपने इसको पढ़ा हो और इसके बारे में आपको नॉलेज हो। एक उस अगर हिसाब से हम लोग जाएंगे तो इसका आंसर है क्योकास माउंटेन्स, सेकंड आपका जो है वो ऑप्शन सही है। मगर सपोज कर लीजिए कि आपको ये नहीं पता है कि करेक्ट आंसर क्या है, मगर आप थोड़ा सा इन पर्टिकुलर माउंटेन्स के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, अगर आपको सही जवाब नहीं पता है कि आपका ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बारे में के बीच में कौन आता है, मगर अगर आप इन माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको सही जवाब नहीं पता है मगर आपको इन माउंटेन्स में से कुछ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, और ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा अगर आपने ज्योग्राफी की किताबें 6, 7, 8, 9 की थोड़ी बहुत भी अगर आपने रीड करी होगी, तो उस हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ेगा, मगर हम लोग यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल गेस कर सकते हैं
अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना दिमाग और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें तो उरल माउंटेन्स के बारे में हर उस इंसान को जानकारी होगी जिसने छठी सातवीं आठवीं की एनसीईआरटीज को पढ़ा हुआ है। उरल माउंटेन्स वो माउंटेन्स हैं जो रशिया में है, और रशिया का वो पोर्शन जो यूरोप में आता है उसको उस पोर्शन से सेग्रीगेट करते हैं या अलग करते हैं जो एशिया में आता है। तो उरल माउंटेन्स वो माउंटेन्स हो गए जो रशिया जो एशिया में है और रशिया जो आपका यूरोप में है उनको सेपरेट करते हैं। इसका मतलब उरल माउंटेन्स तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। कियोकस का हमने नाम नहीं सुना है, कार्पेथियंस इनके बारे में बाद में करते हैं। फिर आते हैं बाल्कन्स के ऊपर। बाल्कन कंट्रीज के या बाल्कन नेशंस के बारे में जनरली लोगों ने सुना होता है, तो उसकी मदद से अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल गेस लगाएं तो भाई कहीं ना कहीं ये बाल्कन माउंटेन जो है ये बाल्कन कंट्रीज के आसपास ही होना चाहिए, और बाल्कन कंट्रीज हैं आपकी यूरोप में, एंड ब्लैक सी और कैस्पियन सी जो है वो आपके एशिया में आता है। इसका मतलब ये भी जो है ऑप्शन नहीं हो सकता। अब घूम फिर के बात आ जाती है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहां पर अब कोई भी चॉइस अगर आप लेते हैं तो आपके सही या गलत होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। तो इतना अगर आपने कर लिया उसके बाद बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, आप एक रिस्क यहां पे ले सकते हैं कि आप कियोकस माउंटेन्स के साथ भी जा सकते हैं, कार्पेथियंस के साथ भी जा सकते हैं। अब बाय द वे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला आंसर जो है सही है, तो अगर आपने ये टिक किया तो ऑब्वियस ही बात है सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर ठीक है इतना रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा। आप डिफेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये नेचर ही होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपने कार्पेथियन माउंटेन्स के बारे में सुना है तो ये आपके सेंट्रल यूरोप को आपका सेंट्रल यूरोप को ईस्टर्न यूरोप सेंट्रल यूरोप में आपको ये पाए जाते हैं। सेंट्रल यूरोप को ईस्टर्न यूरोप से थोड़ा सा अलग करते हैं, तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये माउंटेन्स भी जो है सही आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्लैक सी और कैस्पियन सी कहां पर है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी आपको देखने के लिए मिल रही है एशिया में, और कार्पेथियन माउंटेन्स भी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप जो भी है जिनको सेग्रीगेट कर रहे हैं अलग कर रहे हैं वो यूरोप में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी जो है आपका सही ऑप्शन नहीं हो सकता, तो कायदे से सही ऑप्शन ये होना चाहिए। बट मैं अज्यूम करता हूं कि बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, इन दोनों के बारे में आपको पता होगा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग इन दो ऑप्शंस में फंस जाएंगे। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगी, एंड फिर अब थोड़ी सी आपकी किस्मत भी है, अगर साथ दे जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। तो इन दिस मैनर दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो है रेन्स कॉज्ड बाय थंडर स्टॉर्म्स ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन मिड आपका मार्च टू मिड जून इन कर्नाटका, इसको किस नाम से जाना जाता है। रेन्स जो कॉज की जाती हैं थंडर स्टॉर्म्स के द्वारा ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन जो मिड मार्च से मिड जून तक के बीच में है कर्नाटका में, उनको क्या बोला जाता है। रेन कॉज्ड बाय थंडर स्टॉर्म्स ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन फ्रॉम मिड मार्च टू मिड जून इन कर्नाटका, उसको इन चार में से किस नाम से जाना जाता है। काल बैशाख, मैंगो शॉवर्स, लू और चेरी ब्लॉसम्स। तो यहां पर भी अब ये क्वेश्चन जो है ये आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको थोड़ा सा नॉलेज एक्चुअल में इस पर्टिकुलर चीज के बारे में हो। होता क्या है कि जब आपके यहाँ गर्मियों का सीजन चल रहा होता है, इस पर्टिकुलर पीरियड की बात कर लेते हैं, मिड जून टू मिड मार्च टू मिड जून, उस वक्त बे ऑफ बंगाल में थंडर स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं। उन थंडर स्टॉर्म्स के जनरेट होने के कारण आपका जो सदर्न पार्ट है और आपका ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर कुछ प्री मानसून शॉवर्स होते हैं। तो उन प्री मानसून शॉवर्स को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कर्नाटका में इनको बोला जाता है मैंगो शॉवर्स, आपका केरला में इनको बोला जाता है चेरी ब्लॉसम्स, बंगाल में कहा जाता है काल बैशाखी, एंड सो ऑन। जनरली आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कब आ जाएंगे, जैसे कि अभी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है और एकदम से शाम को मौसम में थोड़ी सी ठंडक आई और बारिश शुरू हो जाती है। तो इन ये आपकी जो प्री मानसून शॉवर्स हैं या जो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती हैं इनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंगो शॉवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से आपकी जो राइपनिंग होती है मैंगो की वो थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। केरला में इसी वक्त में कॉफी वगैरह उगाई जाना शुरू की जाती है तो उसको चेरी ब्लॉसम या कॉफी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है, एंड बंगाल में अगर यही चीज हो रही होती तो उसको काल वैशाखी कहता है, एंड सो ऑन। तो आपका जो आंसर है कर्नाटका में इसको मैंगो शॉवर कहा जाता है। हालांकि यहां पर यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, अगर यहां पर कर्नाटका की जगह पर केरला डाल दिया जाता सारा क्वेश्चन सेम रहता कि भाई गर्मियों में के मौसम में आपका थंडरस्टॉर्म्स वगैरह के साथ में कुछ प्री मॉनसून शॉवर्स होते हैं केरला में उनका नाम क्या, तो आपका आंसर चेरी ब्लॉसम हो जाता ना कि मैंगो शॉवर्स। और अगर यही चीज पूछी जाती है कि केरला की जगह वेस्ट बंगाल अगर यहां पे लिख दिया जाता और सारा क्वेश्चन अगर सेम रहता उस केस में इसका आंसर हो जाता काल बैशाख। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना इसके लिए जरूरी है, और ये क्वेश्चन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
8th क्लास की आपकी एनसीईआरटी से पूछा, जिस व्यक्ति ने 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में मॉनसून चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा वहां पर इन सारे मैंगो शॉवर्स, काल बैशाख और चेरी ब्लॉसम के बारे में बात की गई है, तो उसकी मदद से वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है और इसमें जो वेरिएशंस आते हैं वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए। सो इन दिस मैनर इस क्वेश्चन के लिए इस पर्टिकुलर कर्नाटका के कंटेक्स्ट में हमारा जो आंसर है वो मैंगो शॉवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन पता है या फिर आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पता है। तो वो व्यक्ति जो इसको जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया क्या होता है उनके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि फिर इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। जिन लोगों को पता है वो इसका आंसर लगा सकते हैं कि भाई इसका आंसर जो है वो वूलर लेक है, इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो वूलर लेक है। हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता था। अगर यहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगर हम ये बोलते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है, तो उस केस में हमारा आंसर हो जाता लोकतक या लोकताल, जिस भी तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं, लोकतक या लोकताल अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे होते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि भाई जो आपका फ्रेश वाटर लेक ना हो के सॉल्ट लेक कौन सी है लार्जेस्ट, तो उस केस में अपना आंसर हो जाता चिलिका। मगर अगर आप लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो आंसर है वो वूलर लेक है। सो इस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता है। तो जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है फ्रेश वाटर लेक एंड आपका ये सॉल्ट लेक एंड ऑल दैट, तो उनके लिए मेरी सजेशन यही है कि ये क्वेश्चन हमें स्किप करना चाहिए था, ना कि इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि यहां पे सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 था, एट द सेम टाइम गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी इतनी निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अलवर्स कौन है, हु आर अलवर्स, और हमको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, दोस हु इमर्स्ड इन द डिवोशन ऑफ विष्णु, दो डिवोटीज ऑफ शिवा हु वर्शिप्ड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड एंड डिवोटीज ऑफ शक्ति। अब जिस व्यक्ति ने एनसीईआरटी 7th क्लास का भक्ति मूवमेंट का चैप्टर पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। एनसीईआरटी की 7वीं क्लास का भक्ति मूवमेंट का जो चैप्टर है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी की, इनफैक्ट सोशल साइंस की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की किताब है 7वीं क्लास की, उसमें भक्ति मूवमेंट के नाम से एक बढ़िया आपको चैप्टर दिया गया है, शायद 10वें या 11वें नंबर पर है, उसमें आपको अलवर्स के बारे में बताया गया है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जिसने फ्रेम किया है उसने ये लाइन जस्ट ज्यों की त्यों एनसीईआरटी से उठाकर यहां पर छाप दी है कि अलवर्स को जब डिस्क्राइब किया गया था तो एनसीईआरटी में लिखा गया था ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को विष्णु भगवान की भक्ति में डिवोट कर दिया था, या फिर उनका जो एक अवतार है कृष्णा, कृष्ण भगवान की भक्ति में अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर दिया था। तो जिस व्यक्ति ने एनसीईआरटी का 7th क्लास की ये जो किताब है इसका भक्ति मूवमेंट का चैप्टर पढ़ा है, दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि भाई दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपके करेक्ट आंसर नहीं है। येट अगेन यहां पर दो बातें निकल कर आती हैं, एनसीईआरटी जिस व्यक्ति ने पढ़ रखी है, द पर्सन हु हैज बीन थॉरो इन द एनसीईआरटी, उसके लिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कुछ खास मुश्किल नहीं आएगी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और आप इधर से कुछ रट रहे हैं उधर से कुछ रट रहे हैं, तो फिर ये क्वेश्चन एज अ मैटर ऑफ चांस अगर पढ़ा हो तो बन भी सकता है और नहीं होने के भी चांसेस बहुत हाई है। बट जिसने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही बात आ जाती है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है। सो द पर्सन हु इज अवेयर ऑफ द राइट आंसर विल टेक द फर्स्ट ऑप्शन एंड द पर्सन हु इज नॉट अवेयर ऑफ द क्वेश्चन आई विल जस्ट लाइक टू एडवाइज हिम दैट आप अगर हो सके तो इसको स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक, इनमें से कौन सा मोनोएटॉमिक है, और चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हीलियम। पहली चीज तो ये कि मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है, मोनोएटॉमिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक सिंगल एटम जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। कई सारे आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता फ्रीली एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिंगल एटम भी जो है फ्रीली एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो एलिमेंट्स जिनका सिंगल एटम जो है एटमॉस्फेयर में फ्रीली एज एन एंटिटी एग्जिस्ट कर सकता है वो मोनोएटॉमिक कहलाते हैं। अब फिर से वही बात आ जाती है कि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ रखा है तो फिर आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जहां मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक इन सब एलिमेंट्स के बारे में बात हुई है, एनसीईआरटी
क्लास 9 एनसीईआरटी क्लास 9 के आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो चैप्टर है उसमें मोनोएटॉमिक डायटॉमिक ट्राइटॉमिक इन सब के बारे में बात की गई है और फिर से इसका थोड़ा सा जिक्र आया है जहां पे मोल कंसेप्ट समझाया गया इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो फिर वही बात आ जाती है, अगर आपने एनसीईआरटी और इस केस में 9th क्लास की साइंस की किताब अगर आपने पढ़ी है उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, आपके एलिमेंट एंड कंपाउंड्स वाला चैप्टर और मूल कंसेप्ट वाले चैप्टर में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो वहां पे मोनोएटॉमिक डायटॉमिक ट्राइटॉमिक का जिक्र आया है। वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि जितने भी आपके नोबल गैसेस होते हैं वो सारे के सारे मोनोएटॉमिक होते हैं, यानी कि वो एक सिंगल एटम के तौर पर एटमॉस्फेयर में फ्रीली एज एन एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और इस हिसाब से हम चले तो हीलियम क्योंकि हमारा एक नोबल गैस है तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हमें लेट्स से इस तरीके से नहीं पता है कि मोनोटॉमिक, हमें यह पता है कि मोनोटॉमिक की डेफिनेशन क्या है मगर अब हम सही आंसर नहीं जानते हैं तो फिर हम थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। हाइड्रोजन जब भी हम लोग पढ़ते हैं H2 के फॉर्म में सिंपलीस्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कि सिंगल H जो है वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो पहला ऑप्शन आपका कट गया। यही बात सल्फर के साथ आती है कि सल्फर और फॉस्फोरस जो है वो सिंगल एटम के तौर पर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो भी रिएक्शंस वगैरह होती हैं या तो आपको वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं या किसी और के साथ में कंपाउंड के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शंस अगर आपने कट जाएंगे तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज हीलियम। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। बट येट अगेन क्वेश्चन फिर वहीं पर जाके अटक जाता है, एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है उसके लिए क्वेश्चन आसान है, एनसीईआरटी जिसने नहीं पढ़ी है तो फिर ही कैन ट्राई ऑल दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स एंड थिंग्स। बट स्टिल द पॉइंट इज द पर्सन हु हैज द थॉरो नॉलेज विल बी द वन हु विल बी कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन एंड द पर्सन हु इज नॉट थॉरो विद द एनसीईआरटी और इज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है इसमें हमसे पूछा गया है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ 3D स्ट्रक्चर इज इन सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल अरे, इन सेम प्लेन गिविंग अ स्क्वायर अरे एंड इन सेम प्लेन गिविंग अ पेंटागोनल अरे। यानी कि ग्रेफाइट का जो एक कार्बन, ग्रेफाइट का जो होता है स्ट्रक्चर उसमें कार्बन का एक एटम जो है वो 3 एटम्स के साथ में बॉन्डिंग करता है और वो बॉन्डिंग करके इन 4 में से क्या बनाता है, एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है या फिर एक हेक्सागोनल अरे बनाता है उसी प्लेन में या फिर उसी प्लेन में एक स्क्वायर अरे बनाता है या फिर उसी प्लेन में एक पेंटागोनल अरे बनाता है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसा है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, ये एक कार्बन का एटम है, ये यहां 2 कार्बन के एटम से जुड़ा और यहां पे किसी एक और कार्बन के एटम से जुड़ गया होगा। ये अगर हम लोग ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखें, हर एक कार्बन का एटम 3 और कार्बन के एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन का एटम 1, 2, 3 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एटम भी सब्सिक्वेंटली इसी तरह से 1, 2 और यहां पे कोई तीसरा एटम होगा उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, इसके साथ में, हर कार्बन एटम जो है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ऐसे आपके 3 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है। अब जब हम लोग ये पूरा स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं तो हमको इस तरीके से यहाँ पे हेक्सागन्स वगैरह दिखते हैं, हमको यहाँ पर एक हेक्सागन का अरे बना हुआ दिखता है, एक पर्टिकुलर प्लेन में हेक्सागोनल अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम चले तो हमारा जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तो फिर एनसीईआरटी जो है 9th क्लास जिसमें आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है वहां पे ग्रेफाइट के केस को और डायमंड के केस को इंडिविजुअली स्टडी किया गया है, तो वहां एक छोटे से ब्लॉक में उन्होंने इसका स्ट्रक्चर वगैरह बना के बताया है, वहां पे बताया गया है कि ये हेक्सागोनल अरे या फिर हेक्सागोनल अरेंजमेंट के फॉर्म में अपने आपको कार्बन एटम्स ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं। तो इस तरीके से अगर जिस व्यक्ति को ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में पता है या फिर जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है वो भी इसको सॉल्व कर लेगा और जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वो भी इसका सही आंसर लगा सकता है, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें हमको पूछा गया है कि सोप सॉल्यूशन जो है जिसको आप क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं ये क्लाउडी अपीयर करता है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सोप मिसल्स कैन रिफ्रैक्ट लाइट स्कैटर लाइट डिफ्रैक्ट लाइट और पोलराइज लाइट। एक अगर आपको सोप का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसको आप क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो क्लाउडी अपीयर करता है क्योंकि आपके जो सोप के मिसल्स वगैरह हैं, सोप के जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो इन 4 में से क्या करते हैं, 4 में से कौन सा फेनोमेना करते हैं जिसके कारण आपको सोप का सॉल्यूशन क्लाउडी दिखता है। तो इसका आंसर वैसे तो है कि वो स्कैटर करते हैं लाइट को इसलिए वो क्लाउडी दिखता है, बट ये चीज भी जो है एनसीईआरटी
क्लास नाइन्थ के सॉल्यूशन चैप्टर में आपको बताई गई है। सॉल्यूशंस वगैरह आपको जब पढ़ाए गए कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, टिंडल सॉल्यूशन होता है एंड ऑल दैट, तो वहां पर स्लोप का एग्जांपल स्पेसिफिकली इस्तेमाल करके बताया गया है कि स्लोप जो है वो आपको क्लाउडी अपियर करता है क्योंकि इसकी जो मिसल्स वगैरह है ये लाइट को स्कैटर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं इसलिए आपको क्लाउडी अपियरेंस शो करता है। दिस स्टेटमेंट हैज बीन स्टेटेड इन द नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी इन द सॉल्यूशन चैप्टर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है उसमें बोला है पीपल प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स ड्यू टू द फैक्ट दैट द कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, गुड कन्वेयर ऑफ लाइट, गुड रेडिएटर ऑफ लाइट और गुड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट। चार ऑप्शंस आपको दिए गए और उसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि भाई लोग समर्स में कॉटन क्लोथ जो है वो प्रेफर करते हैं पहनना, कारण क्या? इसका रीजन उन्होंने फिर बताया है कि ये इस फैक्ट के कारण है कि कॉटन क्लोथ इन चार में से कोई एक सर्टेन प्रॉपर्टी अपनी शो करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है। अगर वो अच्छे एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है तो भी उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आपको दिन भर कपड़े पहन के घूमना है तो आप गीले कपड़े तो पहन के घूमेंगे नहीं, तो इट डजंट मेक सेंस कि वो अच्छे से पानी एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। दूसरा आता है दे आर गुड कन्वेयर ऑफ लाइट। कन्वेयर ऑफ लाइट का मतलब हो जाता है कि अगर कहीं एक जगह पर लाइट फोकस हो रही है तो उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दे। हम लोगों ने 10th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि लाइट जो है अपने साथ में रेडिएशन और एनर्जी लेकर चलती है, तो अगर कहीं पर जाके लाइट फोकस हो रही है मतलब वहां पे गर्माहट बढ़ा रही होगी। अब अगर कॉटन का कपड़ा उस गर्माहट को या फिर उस एनर्जी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो गर्मियों के मौसम में एक ऐसा कपड़ा पहनने का सेंस नहीं बनता जो हीट एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा कि आपको पूरी बॉडी में इक्वली गर्माहट फील करवाए। इस तरीके के कपड़े को पहनने का सेंस बनता नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक फोर्थ ऑप्शन की तरफ अगर आप बात करें कि वो भाई लाइट को बहुत अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर लाइट को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा इसका मतलब ये होता है कि उसके साथ में आने वाली एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लेगा। एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो गर्मी बढ़ेगी और कोई भी इस तरीके का कपड़ा समर्स में पहनना पसंद नहीं करेगा जो बहुत ज्यादा गर्माहट फील कराए। तो लास्ट में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई वो अच्छा रेडिएटर होता है इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 10th में आपको पढ़ाया भी जाता है लाइट वाले चैप्टर में कि डार्क सब्सटेंसेस वगैरह जो होते हैं और वो सब्सटेंसेस जो ज्यादा अमाउंट में अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके साथ में आने वाली एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगर वो एनर्जी को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो गर्म हो जाएंगे और इसी पर्टिकुलर फैक्ट का इस्तेमाल करके आपका जो सोलर कुकर होता है उसके अंदर की जो सर्फेसेज है उनको ब्लैक कलर से बनाया जाता है कि ज्यादा अमाउंट में एनर्जी या लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट के साथ में आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी गर्म हो जाएगा तो उसके साथ में जो चीजें हमने रखी है वो पक जाएंगे। इसी को उल्टा करते हैं कि अगर आप जहां पे लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, जो ज्यादा अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो वहां पे गर्माहट ज्यादा नहीं होगी। अब जहां पे गर्माहट ज्यादा नहीं होगी वो वैसी बात है उस जगह पे इतनी थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको ठंडक लगेगी। यही जो है फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। येट अगेन द पॉइंट इज कि अब जिसने एनसीईआरटी तो नहीं कहना चाहिए मगर 10th क्लास की आपका लाइट चैप्टर चाहे एनसीईआरटी से पढ़ा हो चाहे स्टेट बोर्ड से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, जिसको इस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी। वैसे तो ये क्वेश्चन 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक से पूछा गया है मगर इसको सॉल्व करने के पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक होता है हमारे पास डिमांड रूल। डिमांड रूल में यह कहा गया है कि भाई आपकी जो डिमांड है किसी भी चीज की जो डिमांड है वो उसके प्राइस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी और अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये कहलाता है हमारा डिमांड रूल। अब अगर डिमांड और प्राइस के बीच में हम लोगों ने ये आपके पास डिमांड, ये आपके पास प्राइस है और ये आपके पास डिमांड, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम लोगों ने कर्व प्लॉट किया तो हमको वो कर्व कुछ इस तरीके से मिलता है। इस कर्व को कहा जाता है आपका डिमांड कर्व। यह आपकी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिया गया है। अब जिसने इतनी चीज पढ़ी है उसको फिर आगे भी पढ़ा होगा तो उसमें आपको फिर बताया जाता है कि जो डिमांड कर्व होता है उसको उसका जो स्लोप, उसका जो स्लोप है जनरली नेगेटिव लेके चला जाता है या फिर इसके स्लोप को नेगेटिव माना जाता है। और इस ये जो कर्व है इसका नेचर है कि नीचे की तरफ आता हुआ कर्व है, डाउनवर्ड ग्रेडिंग कर्व माना गया है इसको, और इसका जो स्लोप वगैरह आपका निकल कर आता है वो नेगेटिव माना गया है। तो येट अगेन जिसने 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके लिए क्वेश्चन करना आसान है, बट अगर नहीं भी पढ़ी है तो इन सारी चीजों को क्लास में कवर किया गया था, सो इट मस्ट हैव नॉट बीन अ बिग डील फॉर द चैप्स हु वेयर इन द क्लास दैट।
डिमांड उसका स्लोप जो होता है वो हमेशा नेगेटिव लेकर चला जाता है. एंड इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि भाई जो गिनी कोफिशियंट है या फिर जो गिनी रेशो है वो इन चार में से किस चीज के साथ में एसोसिएटेड है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ में एसोसिएटेड है, पॉवर्टी इंडेक्स के साथ में एसोसिएटेड है, इनकम इनइक्वालिटी के साथ में एसोसिएटेड है, या फिर पर्सनल इनकम के साथ में एसोसिएटेड है. हमको इन चार में से करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो येट अगेन ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. या तो आप जानते हैं कि गिनी कोफिशियंट क्या होता है या फिर आप नहीं जानते हैं कि गिनी कोफिशियंट क्या होता है. तो गिनी कोफिशियंट जो है ये आपका किसी भी कंट्री का दर्शाता है इनकम इनइक्वालिटी, कि उस देश में रहने वाले लोगों की इनकम्स के बीच में कितनी ज्यादा इनइक्वालिटीज है. जहां पर आपका इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होगी वहां पर गिनी कोफिशियंट की वैल्यू आपका ज्यादा आएगी, और जहां पे इनकम इनइक्वालिटीज कम होंगी वहां पे गिनी कोफिशियंट की वैल्यू कम आएगी. सो इट्स अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता. एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, कि भाई ये इनकम इनइक्वालिटी को बताता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको पूछा गया है कि भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करता है इनमें से कौन सी चीज के साथ में. सरफेस एरिया के इंक्रीज होने के साथ में, ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने के साथ में, विंड स्पीड के कम होने के साथ में, या डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ में. ये क्वेश्चन येट अगेन एनसीईआरटी से पूछा गया है, लास्ट पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक से पूछा गया है, दैट इज इवेपोरेशन. पहली चीज तो ये कि आपको अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन होता क्या है. तो इवेपोरेशन का मतलब यह है कि अगर किसी लिक्विड का आपका कोई लिक्विड आपके पास में है और वो उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा है, बॉइलिंग टेम्परेचर से काफी ज्यादा कम किसी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड जो है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो फेनोमेना है ये इवेपोरेशन कहलाता है. और प्रीडोमिनेंटली ये फेनोमेना हमको वाटर के केस में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वाटर साइकिल का लेना देना है या फिर आपका जो मॉनसून वगैरह है ये उससे कोरिलेटेड है. खैर, तो इवेपोरेशन का जो रेट है ये वाटर के केस में अगर हम बात कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ये डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पे, सरफेस एरिया पे. अगर आपका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा. अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, और अगर आपका टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा. अगर ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा. ये सारी चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग इवेपोरेशन के बारे में स्टडी करते हैं. तो हमें, क्योंकि अब यहाँ पे इवेपोरेशन पढ़ रखा है हमने, हमें नॉलेज है इवेपोरेशन के बारे में, तो उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि भाई हाँ, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा. इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी हो ही नहीं सकता, ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ इवेपोरेशन कम होता है. विंड स्पीड की बात की जाए, विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, विंड स्पीड अगर कम है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा. यहाँ पे उसकी उल्टी बात लिखी हुई है, और टेम्परेचर के साथ में भी वही है, जो चीज हो रही है उसका उल्टा लिखा हुआ है. तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट निकल कर आता है, और इस तरीके से अपना पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. बचा हुआ जो पेपर है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट सेशंस दैट आर टू कम. सो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम कीप वर्किंग, कीप प्रिपेयरिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद, थैंक यू.